रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी और आज मेरे साथ है नहीदा राजपूत। वालेकुम नहीदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक। और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और आज का दिन तो है भी रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है, जुमा अल मुबारक का दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम दें, गुस्ल करें, पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करें, नमाज की पाबंदी और दुआ करना भी लाजम है। दुआओं की जब बात करते हैं तो यकीनन जहाँ पे आप अपने लिए दुआ करते हैं, अपने माँ वालदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए दुआ कीजिएगा। सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट को और सच सवेरा की पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और ये भी कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, बिल्कुल यकीनन हम सब के सामने हैं, तो आप सब लोग जो हैं आज के दिन खसूसन इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। हमेशा बहुत ही खूबसूरत हम मौजूदात लेकर आते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। आज जुमा अल मुबारक का दिन है तो उसी हवाले से आज का हमारा टॉपिक होगा यकीनन बहुत ही खूबसूरत होगा। मौजू क्या है नहीदा से जानते हैं। जी नहीं, बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एब्सोल्युटली मुहर्रमुल हराम से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज 16 मुहर्रम है और आज के दिन, अच्छा महविश मैं अपनी बात मुकम्मल करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आम तौर पे जो लोगों का एक इमेज है या जो एक जहन में चल रहा होता है कि बस 10 मुहर्रम तक एहतराम है, ऐसा ही है ना, 10 मुहर्रम तक सब कुछ है, उसके बाद हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं है। लेकिन नाज़रीन असल मुश्किल ही 10 मुहर्रम के बाद शुरू होती है। 10 मुहर्रम को तो तमाम शहादतें हुई थी, 3 दिन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेगौरव कफन लाशें तपती हुई रेत पे पड़े रहे थे और 3 दिन के बाद जाके तदफीन होती है और उसके बाद 11 मुहर्रम को जो आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियाँ थीं, जितनी मस्तूरात थीं बमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन सबको कैदी बनाकर, उनको जंजीरें पहनाकर उनको फिर कैद कर लिया गया था और रस्सियों से बांधकर उनको फिर जानिबे कूफा सफ़र करवाया गया था। उसके बाद फिर कूफा में कुछ दिन का स्टे होता है, उसके बाद इसी लुटे पुटे काफ़िले को जानिबे शाम यजीद के दरबार की तरफ रवाना किया गया था। तो आज 16 मुहर्रम और आज भी आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शहजादियाँ थीं, जो जन्नत के वारिस हैं, जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, वो सब आज के दिन भी कैद हैं। तो ये ज़रा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि 10 मुहर्रम तक बिल्कुल भी एहतराम और सोग बेशक है, लेकिन असल एहतराम ही जो है वो 10 मुहर्रम के बाद शुरू होते हैं। इसीलिए हमने आज जुमातुल मुबारक का दिन है इंतहाई बरकतों वाला, तो हमने सोचा क्यों ना हम सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके बारे में बात करें। बीबी सफ़र में हैं, बीबी अब जानिबे शाम आपका सफ़र है और हमारा आज का जो मौजू है नाज़रीन वो भी यही है कि सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सफ़र शाम और जो बाजार शाम और दरबार शाम में जो बीबी के खुतबात थे, बीबी ने जगह जगह रुक के जो लोगों को अवेयरनेस दी, क्योंकि वहाँ के लोग तो यही समझ रहे थे कि ये एक बागी गिरोह है, इन्होंने वक्त के अमीर के साथ बगावत कर ली और इनको सजा के तौर पे जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अगर बाजार शाम में और दरबार शाम में बगावत जागी तो वो सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात के बाद जागी। वहाँ पे लोगों को पता चला कि ये तो आले रसूल की शहजादियाँ हैं और ये जो सर नेज़ों पे सवार हैं ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादों के हैं, हजूर के बेटों के, हजूर के बेटे का सर है इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात से, तो आज हमारा टॉपिक भी यही है और हम इसी पे बात करेंगे। ठीक हो गया नाज़रीन, यकीनन बहुत ही अहम आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान हैं बहुत ही अहम शख्सियात हैं वो भी, और बहुत ही गहरा जी बिल्कुल मुताला रखते हैं तमाम तर मौजूदात के ऊपर। जब भी प्रोग्राम में आते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान रखते हैं। हमारी आज की पहली मौजूद मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, खानम अकलीम फ़ातिमा साहब हमारे साथ हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और शायरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। उनके साथ अगली हमारी मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, ये किरण आप भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान रखती हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत एक जो है वो अदारा भी अपना जो है माशाल्लाह से वो रन कर रही है, डॉक्टर इरम गिलानी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम,
बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। उनके साथ अगली हमारी जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, नात ख्वाह हैं, हमारे साथ हैं जी सानिया सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सानिया, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। दरख्वास्त करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ आप कीजिए हम दीवार ताला से, बिस्मिल्लाह करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तरहे जुबाने, कानों में रस गोलती हैं अजाने, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझ को मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है, उस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं जी नहीदा। बहुत शुक्रिया महविश। अकलीम, सानहे करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपके लिए सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था, क्या वो जो योम आशूर था, शब आशूर था, वक्त शहादत अली अकबर था, या वक्त शहादत इमाम अली मुकाम था, या फिर उसके बाद। तो इमाम अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक जुमला फरमाया कि अश्शाम अश्शाम अश्शाम। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो शाम है, शहादत तो आइमा अलैहिस्सलाम का विरसा रहा है, बिल्कुल, तो वो चीज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए एज़ाज़ है। इसे बारहा तकरार भी किया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने कि शहीद हैं हम और वो ज़िंदा होते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये जुमला कि और बार बार तीन बार तकरार करना अश्शाम अश्शाम, हत्ता ये भी रिवायात हैं कि इमाम सैयद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब वापस मदीना आ गए तो इतना गिरिया उजारी करते थे कि जो जिगर था उस वो फट गया और खून भी आंखों से आया करता था। तो जब रो रहे थे तो निहाल कुफी उन्होंने देखा, इमाम से मिलने आई, जब देखा ये हाल तो कहा मौला आप क्यों रोते हैं, उन्होंने कहा तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया,
क्योंकि जो कुछ हमें करबला में बीती और उसके बाद जिस तरह मेरी पुपियों को सरे उरियां बाज़ारों में दरबारों में लेकर गए, वो उसके बाद मेरा दिल फट ही जाता, मेरा जिगर फट ही जाता। अच्छा अकलीम, वैसे भी ना हम अपने भाई के साथ, अब्बू के साथ अगर बाज़ार जाएं तो हमारे भाई मोस्टली आगे चलते हैं कि बहनों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इतना दुखी होना और सिर्फ शाम को ही कंसिडर करना, ये एक सोचने की बात है। और हमारा जो आज का टॉपिक भी है वो भी ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सफ़र शाम। जी बीबी अभी सफ़र शाम में है, रास्ते में कौन कौन सी जगह आती हैं? और इससे पहले मुझे आप ये बताएं कि ये लंबा रास्ता क्यों चूज़ किया गया? देखिए, जब किसी हाकिम ने किसी महकूम को अज़ियत ज़िल्लत का एहसास देना हो, देखिए क्योंकि उसे पता था कि शहादत तो उनका वरसा है, इनके साथ जो करबला में किया वो इनके लिए एहसास बन गया। यजीद पिछला आपको पता है कि जो उसका जुमले है जो उसने दरबार में कहे थे, उसने खुशी से कहा कि कोई वही नहीं आई, कुछ नहीं आया, और ये सब कुछ एक ड्रामा था जो रचाया गया। हाँ, तो जब उसने ये कहा तो इसके जुमलों से पता चलता है कि उसके पीछे उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था। लिहाजा उसने जो जो जहन में उसने याद किया अपने आबाओ अजदाद को, आवाज़ें देने लगा कि आओ आओ देखो कि मैंने करबला में क्या किया है, देखो इनको देखो कि ये सब कि सब यहाँ पर कैदी बना लिए गए। तो उस पस मंज़र को अगर हम जहन में लाएं कि यजीद का माइंडसेट क्या था, यानी एक ऐसा ज़ालिम हाकिम जब वो आइमा अलैहिस्सलाम को कैद करता है और वो बदला ले रहा है, बेसिकली जब वो अपने आबा को याद करके उन्हें बुला रहा है कि देखो, तो इसका मतलब है वो उसके दिल में कीना था, वो उस चीज़ को अपना सबको बुला रहा है उनको कि आओ और आकर देखो कि मैंने अब इंतकाम ले लिया है। तो इंतकाम जो होता है ना उसकी आग बहुत सख्त होती है, लिहाजा वो तशफ़ी मिल रही थी उसे, उसे जैसे जैसे पता चलता खबरें मिलती हैं फ़लाँ शहर में गए हैं, वहाँ पर ये जुल्म ढाए गए, वहाँ पर लोगों ने आग फेंकी है, मतलब आपको मालूम होगा कैसे बेशुमार वाक़ियात हैं कि जहाँ पर हत्ता किसी के पास कुछ नहीं था तो उसने जलती हुई राख जो है वो भी बीवियों के सरों पर डाली है। तो हत्ता अब वो सदक़े का भी वाक्य सुना होगा कि सदका फेंकने लगे अपने बच्चों पे सवार के, तो जनाब सकीना ने कहा कि हम आले अथार हैं, हम सदका नहीं लेते। तो ऐसे ऐसी मुसाइब की एक इंतहा है जो हमें नज़र आती है शाम के बाज़ार में और सारा सफ़र शाम में। तो इसलिए एक लंबे रूट को चुना गया ताकि जहाँ जहाँ जाएँ अहले बैत अलैहिस्सलाम वो रंजीदा खातिर हों, और फिर जब वो ख़बर मिलती थी तो उसको एक दिली सुकून मिलता था। डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा, सफ़र शाम से पहले जो पड़ाव था वो था दरबारे इब्न ज़ियाद का। बीबी कूफा में दाखिल होती हैं और कूफा में भी आपने जगह जगह लोगों को उनकी औकात याद दिलाई कि तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी चुप ने आज हमें इस हाल में पहुंचा दिया। फिर इब्न ज़ियाद को औकात याद दिलाती हैं इब्न मरजाना के बेटे। तो बीबी की शुजात, बीबी की बहादुरी, बीबी का वो लबो लहजा और इतने सख्त हालात के बावजूद भी वो फसाहत और बलागत से बात कर रही हैं, तो क्या कमाल की पर्सनैलिटी है। बल्कि इरम, मैं एक जुमला कहती हूँ कि सैयदा ज़ैनब एक पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, एक आइडियोलॉजी का नाम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। नाहिदा, आज इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का जिक्र हो रहा है, हमारी ज़ुबान इस काबिल नहीं है, ना हमारे पास वो अल्फाज हैं, ना हमारे दिलों में वो नूर है, ना हमारा वो तस्किया है कि हम उनकी उस ग्रेस को का जो है तस्करा कर सकें। जब हम बीबी ज़ैनब की बात करते हैं तो बीबी ज़ैनब का जो पूरा का पूरा रोल है करबला में, जो रियल कम्प्लीशन होती है मिशन की, करबला से कूफा, कूफा से शाम, रियल कम्प्लीशन का जो आप देखते हैं तो वो बीबी ज़ैनब के खुतबात और फिर खुतबात के बाद जो रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, बिल्कुल उसको जो अगर आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल जो है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह। यजीद का जो एक उसका एक और भी इरादा था ना कि इनको सहरा में रोक लिया जाए, करबला सहरा था बिल्कुल और वीरान जगह थी, तो उसका मकसद ही यही था कि सानिहा को, इस वाकया को इसी मैदान के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उसकी इस फतह को, उसके इस इरादे को नेस्तो नाबूद करने वाली शख्सियत का नाम सैयदा ज़ैनब है। उसकी एक्सपेक्टेशन शायद ये थी कि हम, जब आपने कहा था ना कि लंबा रूट क्यों अख्तियार किएगा,
जब हम लंबे रूट से आएंगे तो हम अपनी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे जो लोग हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करेंगे कि देखो ये रियलिटी है। उसने एक फॉल्स किस्म की रियलिटी क्रिएट की, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बीबी ज़ैनब जो है उनके पास मार्फत है, विरासत है, बलागत है, मौल अली अलैहिस्सलाम की बेटी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है। उनको उनके विजडम को वो नहीं पहुँच सका कि अगर आपने लंबा रूट अख्तियार किया है तो लंबे रूट से उन्होंने अपने खुतबात के जरिए बिल्कुल काया ही पलट दी, बात पहुंची है, काया ही पलट दी बिल्कुल। और फिर जो है पूरा का पूरा जो है वो टर्निंग द टेबल ऑन द अदर साइड, वो वाली बात है। जब आप कूफा से गुजरते हैं तो कूफा की पूरी जो कम्युनिटी है छतों पे और बाज़ारों में, नाउज़बिल्लाह सफरुल्ला, जो लोग खड़े हैं, आप मुखातिब होके कहती हैं कि ये वो ख़ानदान है जिसने तुम्हें जो तुम्हारा मुहाफिज था, जिसने तुम्हें सलामती दी, जिसने तुम्हें प्रोटेक्शन दी। और उस ख़ानदान के ब्रेक के जाने बढ़ने ब्रेक के बाद आपकी बात को हम ज़रूर मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। नवाजा ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। और उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ बिकारी मैं मौला हसन का, हूँ बिकारी मैं मौला सदके जाऊं मैं उनकी अता के, सदके जाऊं मैं उनकी अता के, देने वाले ने सब कुछ दिया है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। बहुत शुक्रिया सानिया जी, नहीं था गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जी। डॉक्टर इरम साहब से हम जी, डॉक्टर इरम आप बात कर रही थी बीबी अलैहिस्सलाम का जो एक आइडियोलॉजी पे आप बात कर रही थी जी। जहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है, करबला से कूफा, कूफा से शाम, वहाँ का एक एक लम्हा जो है वो अपना एक रोल रखता है। जब आप बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा कूफा से गुजरती हैं तो कूफा में आप देखें उनकी जनरल आम कम्युनिटी भी है, उनके जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के अलावा औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अब उनकी एक सोशलाइजेशन ने, ज़ियाद ने, उनकी फोर्सेस ने, यजीद ने एक आइडियोलॉजी बना दी है कि जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, और
हम जो हैं वो हम हक पे हैं, हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारा जो पैराडाइम है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब बीबी सलामुल्लाह अलैह आती हैं कूफा में एंटर होती हैं तो वो अल्लाह पाक ने शरह सदर उनको अता की हुई, शरह सदर से वो जब बयान फरमाती हैं तो ये कहती हैं कि ये वो ख़ानदान है जो आपकी प्रोटेक्शन था, आपकी सलामती था, आपका मुहाफिज था, जिन्होंने आपको राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स बताए, जो आपको दुनिया में भी फलाह और आखिरत में भी फलाह देने वाले थे। और तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने अपने लिए वो कमाया है जो तुम्हें डायरेक्ट दोज़ख में लेके जाएगा, तुमने अपनी दुनिया आखिरत दोनों ख़राब कर दी। यानी आपने उनको आईना दिखाया कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, फॉल्स रियलिटी को आपने बिल्कुल वहाँ पे रोना शुरू कर दिया था ना, रोना शुरू कर दिया, और फिर उसमें आपने कहा था कि तुम लोग रोते रहोगे, तुम लोग रोते रहोगे कि रोना ही है, जो तुम लोगों ने किया है उसकी तो माफ़ी है ही नहीं, वो तो इतना बड़ा गुनाह है आले रसूल के साथ तुम लोगों ने ऐसे किया, इतनी बड़ी बेवफाई की, इतना बड़ा जुल्म किया उनकी औरतों के साथ। और फिर उनको रियलाइजेशन स्टार्ट हुई वहाँ से, जब रियलाइजेशन स्टार्ट हुई वहाँ से, जब आप कूफा से शाम में आती हैं, इब्ने ज़ियाद की आपने बात की, उसकी कैबिनेट के सामने जब आपने अगेन आपने खुतबा दिया, तो वहाँ पे जो है उन ज़ाहिर है आपने कहा था तुम फोर्सेस कलमा गो हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और तुम लोगों ने क्या किया, किसके साथ किया और कैसे किया। तो जब ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन ज़ाहिर है वो फोर्सेस थी, आपने देखा है कि नॉर्मल लाइफ में जो है वो एक प्रेशराइज किया जाता है जी बिल्कुल, लेकिन जब आपने उनको के ईमान को, उनकी जो असल एसेंस था उसको जब सामने लेकर के आई, तो फिर वहाँ से जो है एक चेंज आता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप देखें सफर जब शाम के वक्त आप जाती हैं तो फिर जी बिल्कुल, खानम अकलीम कूफा में इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेशी हो गई, कैद रखा गया। अब कूफा से पहले दमिश्क, दमिश्क से शाम, दरमियान में छोटे छोटे एरियाज़ भी आते हैं, कुछ गुंजान आबाद भी थे, कुछ गैर गुंजान आबाद भी थे, लेकिन दमिश्क का जो बाज़ार था, अभी शाम ही पहुंची बीबी, वहाँ पे बहुत भीड़ थी और ईद का समा था, और वहीं पे कुछ जो हैं वो किताबें कहती हैं कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ भी थी जिन्होंने बीबी को देखा। वो वाक़ ऐसे है कि जैसे ही जनाब ज़ैनब कुबरा वगैरह एंटर हुए तो वहाँ पर एक कनीज़ थी जो क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी, जो क्योंकि मौला कई की रविश थी कि इमाम कनीज़ें ख़रीदा करते, उनकी तरबियत करते, उनको एक ये समझिए कि पूरा एक जैसे चेन था, जैसे रसूल खुदा ने असहाबे सुफ़ा की ट्रेनिंग की, उसके बाद उनको डिफरेंट एरियाज़ में भेजा, दीन इस्लाम भी इसी तरह तरवीज हुई, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, इमाम अलैहिस्सलाम की रविश थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी शीरीन, उनको कूफा में थी, शीरीन जो थी वो कूफा की उसमें थी, नहीं वो शाम से बाहर का जो इलाका है ना, अच्छा, जो आप कह रहे हैं वो वहाँ पर थी। तो वो जब जो शीरी हैं, जब वो इंतज़ार कर रही थी कि एक काफिला, क्योंकि इमाम ने कहा था कि जब भी कोई इस तरह कैदोबंद में सलासल में आए तो तुम उनका पास करना और ख्याल करना। तो फिर जब शीरी जो हैं उन्होंने देखा तो उन्होंने उनके घर में भी ठहरे थे मेरे ख्याल में, आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे, तो वो इमाम अलैहिस्सलाम का जब काफिला आया तो उसने कहा कि मुझे मेरे घर में इनको रोका जाए, मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि मौला ने कहा था कि जो भी कैद होकर आए उनका तुम ख्याल करना। तो बीबी वहाँ जाती हैं, अब ये बज़ाहिर तो ये इवेंट्स की चेन है ना जो हमें नज़र आ रही है कि शीरी के पास। आपकी बात हमें डिटेल मुकम्मल करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी बात मुकम्मल कीजिएगा, नाज़रीन हमारे साथ रहे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, खानम अकलीम फातिमा साहिबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा हमारे साथ हैं और सानिया सरफराज साहिबा हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। नहीदा, डिस्कशन का आगाज़ अकलीम साहिबा से हम जी बिल्कुल, महविश ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का काफिला जब दमिश्क पहुंचता है तो वहाँ पे एक कनीज़े हुसैन अलैहिस्सलाम थी, जनाबे शीरीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और उनको इमाम ने कहा था कि हम तुम्हारे घर तशरीफ़ लाएंगे। और वो दिन और फिर ये दिन उस बीबी ने हर रोज़ वो अपने घर को सजाती थी, हर रोज़
इमाम की आमद के इंतज़ार में, और जब उसको पता चला कि कोई बागी ग्रोह है, बागी काफला है, तो लोगों ने कहा कि इनको स्टे देना है, तो उसने बागी ग्रोह समझ के स्टे दिया, बागी ग्रोह समझ के स्टे दिया, और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा आप कौन हैं, तो अकलीम उसके बाद क्या होगा मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल, जब वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और तमाम सरहाय मुकद्दस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके लाए जाने लगे, वो तो जनाब सैयदा वगैरह सलामुल्लाह अलैहा तमाम आइमा अलैहिस्सलाम अहले बैत एक तरफ बैठ गए, क्योंकि आपको पता है कि कूफा से रस्ते में जिस तरह से घोड़े दौड़ाते रहे और ये लोग लेके आते रहे, उसमें बीबी को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो एक दफ़ा हुक भर के हाय हुसैन कह सकें, अपने भाई का गम मना सकें। तो जब आप वहाँ पहुँची हैं उसके घर, तो बीबी ने कहा कि क्या तुम इजाज़त देती हो कि मैं अपने माँ जायों को याद कर सकूँ? उसने कहा इसमें ऐसी क्या बात है, आप कर लें। तो बीबी ने उस वक्त नाम लेना शुरू किया, जब बीबी ने कहा हाय हुसैन, तो उस उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आई कहने लगी नहीं ये नाम ना लो, ये मेरे मौला का नाम है, तुम किसी और तरह से याद कर लो। तो बीवी शीरी जो है उन्होंने कहा हाय अब्बास, कहा हाय नहीं नहीं तुम ये नाम ना लो, ऐसे ऐसे करते करते वो सब के नाम शहजादों के नाम लेने लगी। जैसे ही जो पलटी हैं वो, फिर उन्होंने कहा कि बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम पूरे खानवादे अहले बैत अलैहिस्सलाम के एक एक नाम नजर आ रही हो। तो बीवी ने कहा क्या, बीवी ने अपने बालों को जो चेहरे पर डाल रखे थे उनको हटाया और कहा कि क्या तुम नहीं देखती ऐ शीरी, क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकी? बस फिर क्या था, शीरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, गिरिया उजारी करने लगी। ये जो जितने भी चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, ये तमाम अहले बैत ने जो अपनी करीज़ों को भेजा, इसी तरह हिंदा हत्ता जो यजीद की बीवी है, वो ये करेक्टर्स तारीख में या कह लें कि ये जो सिलसिले में हैं वो इसलिए हैं ताकि हमें उस वक्त वो जो तकलीफ़ की कैफियत है, अब देखिए अगर बीवी शीरी वहाँ ना होती तो किस तरह से वो ये चीज़ कम्युनिकेट होती, अहले बैत के चाहने वालों में कैसे पता चलता कि ये जो शख्सियात आ रही हैं, ये जो सरहाय मुकद्दस हैं, ये किसके हैं, वो तो बागी समझते रहते। तो इस तरह जनाब शीरी वो वसीला बनी कि जिन्होंने फिर तमाम दीगर जितने भी चाहने वाले थे अहले बैत के, उन्होंने मतलब किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पहुँची। क्योंकि आपको पता है शाम एक ऐसा रीजन था जहाँ पर जब अली अलैहिस्सलाम को शहादत हुई और मस्जिद में आपको पता है शहादत हुई, तो उन्होंने हैरान होकर पूछा कि अली भी नमाज पढ़ते थे? यानी ऐसा डिस्कोर्स उस वक्त वहाँ पर जनरेट हो चुका था, और सब वशतम जैसे आपको पता है कि मुस्तकिल मेंबर से जारी और सारी रहा। तो अहले बैत की पहचान नहीं थी, ये पहचान कराने के लिए ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो हर हर मकाम पर होते रहे। कहीं जैसे ही शाम के दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ पे रसूल खुदा के सहाबी मौजूद, जी बिल्कुल, अब इस तरह और कुछ की शहादतें होती हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये तो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, ये आइमा अलैहिस्सलाम के, ये इमाम ज़ैनुलाबिदीन अलैहिस्सलाम है, जैसे जैसे पता चलता है लोग रेजिस्ट करते हैं, कुछ को मार दिया जाता है, जी बिल्कुल, यानी हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आवाज़ ज़ैनब कुबरा जो है उसकी गूंज आज तक दुनिया जहाँ में फैली है। और वो जैसे आप आइडियोलॉजी की बात करी थी, वो के सवाल तो इनका था, लेकिन मेरा दिल है कि मैं उसके ऊपर कुछ करूँ। जनाब ज़ैनब कुबरा की जो आइडियोलॉजी है ना, वो सिर्फ मेरे लिए बहसित औरत नहीं है, हाँ बहसित औरत मेरे लिए फिर एक हिजाबी खवातून के बीबी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो जिसे आप कहते हैं स्टीरियोटाइप्स जो है ना हमारे लिए बनी हुई हैं, कि पैसिव होती हैं, सबमिसिव होती हैं, घर में रहती हैं तो इन्हें दुनिया का पता नहीं, तो कम अकल होती हैं, ये सारी स्टीरियोटाइप्स एक एक करके ज़ैनब कुबरा ने जैसे ही कूफा से शाम का रास्ता है ना, इसमें एक एक करके तोड़ती रही, दिखाती है कि जब अजियत पहुँचती है तो एक औरत ही है जो एक इमाम को बचाती है, उसकी सबसे पहले नासिर बनती है। इमाम ज़ैनुलाबिदीन तो बीमार है ना, उनको खैमे से निकालने वाली कौन थी? एक औरत थी, यानी एक औरत के अंदर विल पार। फिर इल्म बताती है, जब बोलती है नुत्क तो लोग कहते हैं कि अली कलाम कर रहे हैं, लोगों को अली का लहजा। फिर तीसरी जो स्टीरियोटाइप तोड़ती हैं वो ये कि सबमिसिव होती हैं औरतें, यानी अब एक घर में जो आमतौर पे हमारी खवातीन को समझाता है कि जो घर में रह रही हैं उन्हें तो इल्म ही नहीं होता दुनिया, लेकिन ये आलिमा या गैर मुअल्लिमा है, जब ये बोलती हैं तो लोग सुनते हैं और फिर हैरान हो जाते हैं, और फिर वो गुफ्तगू ऐसे कल्ब पर असर करती है कि फिर आपको पता तवाबीन है, इतनी रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं जो बढ़ती हैं। तो बीबी की आइडियोलॉजी ऐसी फैली है, और फिर जो खुतबे के कुछ जुमलात हैं बीबी के, वो अगर हम उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें ना,
तो एक मैं उसके लिए अगली खुतबे की इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, उससे पहले मैं डॉक्टर इरम से बात करना चाहूँगी। इरम, आपसे बात करने से पहले एक शेर मुझे याद आ गया कि मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, जैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को, और खातून थी जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। शाम का बाजार है और बीबी के जगह जगह खुतबे हैं, रश है, और वो जगह ऐसी थी कि कोई गैरतमंद मर्द भी वहाँ से गुजरने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। जैसे ही शाम का एरिया शुरू हुआ तो हुक्मनामा आ गया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास कि अब ये ऊँट पे नहीं बैठेंगी, अब ये पैदल चलेंगी। जी जब ये पूरा सफ़र स्टार्ट होता है तो आप ये देखें कि जब आपने चेंज की बात की है, खुतबात की बात की है कि खुतबात से जो है वो रिवोल्यूशनरी एक चेंज आ रहा है, इससे पहले आप देखें जब करबला में ये पूरा काफिला जितने भी प्रोसेस से गुजरा है नाहिदा, कितने सख्त किस्म के साइकोलॉजिकल प्रेशर से और कितनी पेन से और कितनी सफरिंग से गुजर रहा है। हम जैसी खातून होती वो तो रो रो के वहीं पे। अब आप देखें वॉर की आपने बात की कि औरत जंग नहीं कर सकती, लेकिन जंग जो है वो सिर्फ आपके स्वॉर्ड के साथ नहीं होती, आपकी तलवार के साथ नहीं होती है। जब आपके दिल में नूर होता है, जब आपको मार्फत होती है, शरह सदर होती है, आपको यकीन होता है, आपको तवक्कल होता है, तो आपके लफ्जों में अल्लाह ताला इतनी जान डाल देता है कि वो आपके लफ्ज जाके अहम डिस्कशन है। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद आप इसको जरूर जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ में मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर। आज का हमारा टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ हैं। जी नहीदा जी बिल्कुल, ब्रेक पे जाने से पहले मैं भी शाम बात कर रहे थे कि सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब शाम के दरबार में जाने से पहले आप शाम के बाज़ार से गुजरती हैं तो वहाँ पर भी आपने जगह जगह खुतबात दिए, ना सिर्फ आपने बल्कि हज़रत सईदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा अलैहिस्सलाम आपने भी वहाँ पे जगह जगह खुतबात दिए और लोगों को बताया कि हम आले रसूल हैं, हम ही हैं कि जिन पे वही का नज़ूल होता था, मेरे नाना और मेरे बाबा अली। तो वहाँ पे फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता रिकग्नाइज़ होना शुरू हो गया इरम। और फिर जो दरबार यजीद था, दरबार शाम, उसके बाहर भी काफ़िले को अच्छी देर रोका गया, इतनी देर रोका गया कि 15 अजाने आले रसूल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे खड़े होके सुनी। ये जुल्म, जैसा इंतकाम की बात हो रही थी कि इतना जुल्म, इतना इंतकाम, और उसके बाद जब बीबी दरबार में दाखिल होती हैं और किस तरह से यजीद की फतह को शिकस्त में बदलती हैं, मैं चाहूँगी कि वो जो मेन आपके खुतबे का क्रक्स है ना कि बीबी ने किस तरह से उसकी फतह को, उसके दरबार में 700 कुर्सी नशीन है और उन सब के सामने बीबी ने वो कैसे उसकी इज्जत की जो है वो नेस्तो नाबूद करके रख दिया यजीद को। जी नहीदा, अगर आप उन खुतबात के अल्फाज देखें तो उन लफ्ज़ों में बीबी का यकीन, उनका तवक्कल, वो कितनी अपने अकीदे में ग्राउंडेड थी और उनका इश्क किस मुकाम पे था, वो लर्जी नहीं, उनको जो है अपना जो साइकोलॉजिकल पोजीशन था उससे बिल्कुल हिली नहीं। आप उनके लफ्ज़ देखें, शुरू उन्होंने की हम से, लेकिन उससे पहले वो कहती हैं कि यजीद तू मुझे रोकेगा, ए आज़ाद करदा गुलाम के बेटे तू मुझे रोके। कितना हिलेरियस ये लफ्ज़ हैं, आप ये देखें कि ए आज़ाद करदा गुलाम के बेटे तू हमें रोकेगा। फिर कितनी वो उनको जो है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह की दीन की बात कर रही हैं, उनको आगे लेकर के जा रही हैं। हम से शुरू हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजा और उसके बाद उनके वो लफ्ज़ देखें, वो कहती हैं कि इन दिस सेक्रीफाइस आई सी नथिंग एक्सेप्ट द ब्यूटी ऑफ गॉड। कि आप ये देखें कि वो कहते हैं कि तुमने जितने भी जुल्म ढाए हमारे ऊपर, जितना ज़ैनब कैसा पाया तुमने, कैसे पाया, आई सी नथिंग एक्सेप्ट द ब्यूटी ऑफ गॉड, मुझे तो अल्लाह की रहमत, उसकी बरकत, उसका करम, उसका फजल के अलावा तो कुछ भी नहीं नजर आया इसमें। क्या बात, तो आप ये देखें कि जब ये बात की होगी तो उसका तो सारा का सारा रोब जो है वो बिल्कुल स्मैश हो गया होगा, खत्म हो गया, क्योंकि क्या बात करी।
फिर आप यकीन देखें, वो जब उस उनसे मुखातिब हैं वो कहती हैं कि अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता, यानी तुम जो कह रहे हो कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे काफिले के साथ क्या हुआ, वो कहते हैं अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म ही करता, उनको पता है कि हम उनके बंदे हैं, जन्नत और दोज़ख का जो है वो डायरेक्शन सेट करने वाले कौन हैं, शहजादे शहजादियाँ जो हैं वो जन्नत के मालिक हैं, तो वो अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म ही करता। अच्छा, फिर आप वो आप उनसे कहती हैं कि आप उनके कितने चैलेंजिंग लव्स हैं, आप ये देखें, आप कहती हैं कि तुम्हारा जितना भी मकरो फरेब है ये हमारे जिक्र जमील को नहीं रोक सकता और ना तुम हमारे मुकाम को पहुँच सकते हो, कभी भी तुम इस लेवल तक नहीं आ सकते कि जो तुमने जितना भी पूरा सिनेरियो क्रिएट किया है तुम ये समझते हो कि शायद ये सारा कुछ करने से तुम हमें अपने मुकाम से गिरा दोगे या हमारी रियलिटी को चेंज कर दोगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। और फिर अपनी विक्ट्री भी जो है वो आप उस पे जाहिर करती हैं कि यकीनन जो है वो हम ही कामयाब होंगे और तुम्हारी सल्तनत चंद दिनों की है, तुम्हारी जो गिनती के दिन हैं उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उनको यकीन था कि बातिल को जाना ही है और हक जो है वो हमेशा जो है वो उसको अल्लाह पाक हमेशा इज्जत देता है और हमेशा जो है उसी का उरूज है। तो आप ये पूरा कंसोलिडेटेड, यजीद ने वो देखा कि मेरी तो इज्जत खाक में मिल रही है तो उसने अजान शुरू करवा दी, आप वक्त ना अजाने के सईदा ज़ैनब वैसे तो नहीं ये चुप फरमाएंगी लेकिन अजान सुन के अली की बेटी ये चुप कर जाएंगी, तो वहाँ पे जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा ये किसका जिक्र हो रहा है, किसके नाना का नाम, किसके नाना का नाम है, अब देखो कौन जो है किसकी अजाने गूंज रही है, किसका नाम जो है वो बुलंद हो रहा है, तुम्हारा है और मेरे नाना का नाम गूंज रहा है और ये जो है तुम्हारे ही लोग हैं, लेकिन जिक्र किसका बुलंद हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी औलाद का, और वही जो है वो दीन लोगों को पता चला ना कि ये तो आले रसूल की बेटी, तो आले रसूल की बेटियां हैं ये, तो फिर वहाँ पे तो पूरा का पूरा जो है सिनेरियो चेंज हो गया। उसके बाद जो है उनकी फोर्सेस को रियलाइज हुआ कि ये तो हमने बहुत बड़ा जुल्म किया है और बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है हमने, लेकिन वो भी इनामो इकराम के लालच में और अकलीम, इसी तरह बात आगे चल रही है। लेकिन नाज़रीन हमने आपको बताया था कि अकलीम शायरा भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप बीबी को खराज अकीदत अपने, क्योंकि मैंने तो अब किसी और का शेर पढ़ दिया, इरम किसी और का पढ़ देंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा क्यों मेविश के अपने अल्फाज, मतलब ये कहेंगी कि मैं अपनी पोइट्री पढ़ने जा रही हूँ। जी अच्छा अकलीम साहब, चूँकि हमने ब्रेक की जानब बढ़ना है तो मैं चाहूँगी कि ब्रेक के बाद जो है वो आप हम यही से के साथ तमाम तर जो अशआर है वो हमारे नाज़रीन के समातों की नज़र करें। नाज़रीन एक ब्रेक की जानब बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा मौजू जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन रही, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले क्लीन साहिबा आप कुछ अशआर सुनाना चाह रही थी। ये मेरी किताब एक्चुअली इस साल ही के शुरू में ही लॉन्च हुई, इसकी हमने तकरीर नुमाई की लम्से हुदा। ये बेसिकली अहले बैत अलैहिम सलाम की शान में मेरे कुछ गुलहाय अकीदत हैं, वो जज्बे जो मैं बयान करना चाहती कि आप लोगों तक पहुँचें। इसमें से कुछ कलाम है जो आपकी नजर करना चाहूंगी। जरूर जी। ये एक आज़ाद नज़्म है। ये ज़ैनब है ये दश्ते ज़ुल्म में सरसब्ज नखले आगही है, ये कारे ज़ारे ज़ुल्म में एक रोशनी है। ये ज़ैनब है जो आली है मिसाली है, यही तो है जो हैदर की तरह अब्बास जैसी भी, जलाल खालिक यक्ता की मूरत है, जलाली है। क्या बात, ये ज़ैनब है कभी ये मोजज़ाए खालिक यक्ता दिखाई दे, ये जब बोले तो हक भी बोलता वाज़े सुनाई दे, जो बातिल आए इसके सामने तो वो परेशान हो, इसे कुछ ना सुझाई दे। ये ज़ैनब है जो हक के छाज से बातिल के रोड़े और पत्थर छान देती है, ये ज़ैनब है जो खुतबा दे के दीन हक की जान को जान देती है, ये ज़ैनब है जो बेजां मुजमहिल इस्लाम पर अपनी रिदा को डालती और फिर रिदा का दान देती है, ये ज़ैनब है जो सहमी मुस्तरिब शाह की शरीयत को रिदाए सैयदा का दान देकर पुरसकूं करती है, उसको जान देती है। ये ज़ैनब है
जो रूह जिंदगानी सैयदो सादात जैनब है, जो ना ही सूखती है ना सिमटती है वही फुरात जैनब है। ये जैनब है। और आखिरी अशार ये जो हमारे जज्बों की अकासी करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि सुनो हर शक्ल में हर तर्ज में हर दौर में मौजूद बातिल के लिए बस मात जैनब है। वाह वाह वाह। तुम्हें गर हक का रास्ता ढूंढना मुश्किल लगे देखो, अल्लाह अकबर, तुम्हें गर हक का रास्ता ढूंढना मुश्किल लगे देखो, चले आओ दरे जैनब पे क्योंकि हर जमाने हर मका हर दौर में तुमको जो राह हक पे उंगली थाम के आगे बढ़ाती है वही एक जात जैनब है। वही एक जात जैनब है। अकीम साहब दोबारा आप अपनी जो बुक है वो जरा नाज़रीन को दिखा दीजिए जी और मज़ीद बताइएगा इस बुक के हवाले से। लम्से हुदा है बेसिकली, इस पर अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी तमाम आइमा अलैहिस्सलाम को कोशिश की है कि उनके हवाले से अपने जज्बात की इक्कासी की है। मैंने कहा था कि हम इमाम रज़ा की एक हदीस है जिसे हदीस कहते हैं सिलसिलातुज़्ज़हब, मैंने उसकी इब्तिदा की है कि कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी अमन दखला हिस्नी अमना मिन अज़ाब। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। डॉक्टर इरम गिलानी साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें बीइंग अ वुमेन मैं ये कहूँगी कि जो आपकी ट्रू डिवाइन नेचर है उसको हर औरत को आप सोसाइटी से स्टैंडर्ड्स ना लें। अगर आप अपने ट्रू डिवाइन नेचर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो बीबी जैनब हमारे सामने एक मुकम्मल रोल मॉडल है। आप उनको देखें तो उनकी उनके आईने में जो आपके अंदर एक फॉल्स किस्म की औरत का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ वो सारा डिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो जब आप उनको उनसे एनर्जी लेंगे उनको अपना रोल मॉडल बनाएंगे उनको सामने रखेंगे तो खुद ब खुद आपके अंदर एक पैशन आएगा, एक पावर आएगी आपके ऊपर और फिर आप अपनी जो कमज़ोर सा आपका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है आप उससे निकल के अपने ट्रू डिवाइन नेचर खानम अकलीम फातिमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नहीर आपका बहुत शुक्रिया, हर जुमे आप हमें ज्वाइन करती हैं, सानिया आपका बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए लेकिन जाने से पहले एक इख्तितामी कलाम हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। सानिया बिस्मिल्लाह करें। क्या बताऊं का